क्या प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो सकेंगे राहुल गांधी? आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले का क्या असर पड़ेगा राहुल पर? गांधी परिवार के चिराग की खत्म हो गई है सांसद सदस्यता। निचली अदालत के फैसले ने बदल दिया राहुल की जिंदगी। अब राहुल गांधी पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट, तो क्या खोया राजनीति मान हो जाएगा वापस? सभी मोदी को चोर बताकर बुरे फंसे थे राहुल गांधी, हाई कोर्ट ने भी नहीं दी थी राहत। अब सबकी निगाह टिकी सुप्रीम कोर्ट पर। गांधी परिवार के चिराग राहुल गांधी अपने ही बयान में ऐसे फंसे कि उनको अपनी सांसद सदस्यता गंवानी पड़ी। प्रधानमंत्री के लिए प्लाट किए जा रहे राहुल जाने अचानक कैसे मुख्य राजनीति से ही बाहर कर दिए गए। 23 मार्च वो दिन था जब राहुल गांधी के सपनों पर ऐसा पानी फिरा कि उनको निचली अदालत में आए फैसले के खिलाफ उच्च अदालत जाने में 10 दिन लग गया, मगर 24 मार्च को ही उन्होंने अपना सांसद पद गंवा दिया। राहुल गांधी पर दोष सिद्ध हुआ, जिसके बाद उनके खिलाफ यह एक्शन लिया गया। अगर अभी तक आप मामला नहीं जानते हैं तो सबसे पहले वह जान लीजिए। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कुलार की एक रैली में राहुल गांधी ने कहा था, कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है। इसी को लेकर भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पुरेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था, जिस पर सुनवाई करते हुए सूरत की एक कोर्ट ने उन्हें दोषी पाया। जैसा कि नियम है, दोष सिद्ध होने और सजा मिलने पर नेताओं को अपना पद छोड़ना होता है। राहुल गांधी के साथ भी ऐसा ही हुआ। 23 मार्च को आए फैसले के बाद 24 मार्च को उन्होंने अपना सांसद पद खो दिया। यहां के बाद सभी को उम्मीद थी राहुल गांधी जल्दी ही हाईकोर्ट पहुंचेंगे, पर उन्होंने 10 दिन का लंबा समय लिया। वहीं हाईकोर्ट ने निचली अदालत का फैसला बरकरार रखा, जिसके बाद राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जहां आज सुनवाई हुई। राहुल गांधी की याचिका में क्या था, पहले ये जानिए, फिर बताते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। याचिका में कहा गया कि अगर विवादित फैसले पर रोक नहीं लगाई गई तो इससे स्वतंत्र भाषण, स्वतंत्र अभिव्यक्ति, स्वतंत्र विचार और स्वतंत्र बयान का दम घुट जाएगा। याचिका में कहा गया कि अगर याचिकाकर्ता की सजा पर रोक नहीं लगाई गई तो वह अपने करियर के अहम 8 साल गंवा सकते हैं। जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शिकायतकर्ता पुरनेश मोदी और गुजरात राज्य को नोटिस जारी किया है। पुरनेश ने नोटिस का जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से 21 दिन का समय मांगा, लेकिन कोर्ट ने उन्हें 10 दिन की मोहलत दी है। कोर्ट ने कहा कि इस स्तर पर सीमित प्रश्न यह है कि क्या दोष सिद्धि निलंबित किए जाने योग्य है। वहीं अगली सुनवाई की तारीख 4 अगस्त की रखी गई है। फिलहाल कोई निर्णायक फैसला नहीं आया है। 4 अगस्त की सुनवाई के बाद राहुल गांधी के भविष्य की दिशा निर्धारित होगी। अगर फैसला बदला जाता है तो वह दोबारा चुनाव लड़ने योग्य होंगे। ऐसे में प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी हो सकते हैं। अगर फैसला नहीं बदला जाता है तो वह 2024 लोकसभा चुनाव नहीं लड़ सकेंगे, न ही आने वाले 6 सालों तक का कोई चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में वह 2024 के साथ साथ 2029 लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़ सकेंगे। अब राहुल गांधी को इंतजार 4 अगस्त का होगा।